भोपाल से खबर है जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दो दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं और आज दोपहर 3 बजे रतलाम के जावरा नितिन गडकरी पहुंचेंगे। तो मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए वे पहुंचेंगे और परिवहन मंत्री यहां पहुंचकर जायजा लेंगे। विशेष विमान से शाम 5 बजे इंदौर नितिन गडकरी पहुंचेंगे और इंदौर में 35 सड़क परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो दो दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं और आज दोपहर 3 बजे रतलाम के जावरा पहुंचकर मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इंदौर में 35 सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे और विशेष विमान से शाम 5 बजे वे इंदौर पहुंचकर इंदौर वासियों को सौगात देंगे। मध्य प्रदेश में सड़कों के नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आज इंदौर जाएंगे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान 11,311 करोड़ रुपए की 35 सड़क परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और शिलान्यास करेंगे। 21 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और 14 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आर्थिक विकास की रफ्तार भी तेज होगी। राज्य के मुख्य शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना आसान होगा और पर्यटन और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, लंबे समय से माननीय मंत्री जी से मिल रहे थे और इंदौर के आसपास की सौगातों के लिए उनसे निवेदन किया था और वो कल इंदौर आ रहे हैं। शाम को 6 बजे वो इंदौर आएंगे और 7 बजे नक्षत्र में कार्यक्रम है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और वो भी रहेंगे। एक अहमदाबाद रोड पे मछलिया घाट है जिसका निर्माण शेष बचा था, उसकी भी शुभारंभ होने की संभावना है। खंडवा रोड पे इंदौर से तेजाजी नगर खंडवा रोड जो भौरका चौराहे से, वो तो नगर निगम को उन्होंने दिया ही है, उसकी भी घोषणा हो सकती है। और उसके अलावा तेजाजी नगर के आगे जो सनावत वाला पोर्शन है उसकी भी शुभारम्भ कल होगा। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक हब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खास करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए, और उसका MOU प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच